राधे राधे दोस्तों, आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ हरियल पक्षी के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हरियल पक्षी पहले टाइम में इंटरनेट और टीवी वगैरह इतना नहीं था तो लोग कहानियाँ सुनाया करते थे, तो बहुत सी जो लोक कथाएँ थी उनमें हरियल पक्षी का उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ थी जो हमारी दादी नानियाँ टाइम पास करने के लिए हमें सुनाती थी। तो हमारी दादी भी हमें एक कहानी सुनाती थी कि एक लड़का था तो उसकी सौतेली माँ होती है, लड़के को पसंद नहीं करती और उसके पिता को सिखा देती है, उसके खिलाफ़ भड़का देती है। और उसकी बहन भाइयों में बहुत प्यार था तो जो उसकी सौतेली माँ उसके भाई को मरवा देती है उसके पिता से ही। तो जो उसकी बहन बहुत रोती है कि मेरे भाई को मरवा दिया है और मेरे पिता ने ही मार दिया है। तो जो लड़का होता है वो हरियल पक्षी बनकर उड़ जाता है। तो जब उसकी बहन बाग में झूला झूलती होती है तो वो पक्षी वहाँ पे जाता है और बोलता है, माँ ने मरवाया, बाप ने मारा, बहन सरासर रोई रही, मैं हरियल तोता बन उड़ी आया। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ हमारी दादी नानी जो कहानियाँ सुनाया करती थी। तो हरियल पक्षी का इतिहास बहुत पुराना है, लोक कथाओं में भी सुनने को आता है। आज हम इसकी जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। तो जो ये हरियल पक्षी होता है, ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो ज़मीन पर पैर नहीं रखता है। जब यह ज़मीन पर पैर नहीं रखता है, उतरता है, तो ये खाता क्या है और रहता कहाँ है दोस्तों? ये तो जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरी देखें। दोस्तों, हरियल पक्षी एक शर्मीला परिंदा होता है और अंग्रेजी में इसका नाम येलो फुट एंड ग्रीन पिजन होता है। हरियल महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है और ये 20 से ज़्यादा इसकी प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं हरियल पक्षी की। हरियल पक्षी भारत देश के अलावा पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है। यह रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाया जाता है। हरियल पक्षी आमतौर पर पीपल, बरगद और ऊंचे विशाल पेड़ों पर ज़्यादा रहते हैं। कई बार हरियल पक्षी आबादी से लगे हुए बाग बगीचों में भी दिखाई दे। हरियल एक सामाजिक पक्षी है, यह झुंडों में और जोड़ों में रहना पसंद करते हैं। हरियल पक्षी का आकार 30 से 35 सेंटीमीटर और वजन इसका 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है। इसका रंग हल्का पीला और हरा होता है। सिर का रंग सलेटी होता है। इसकी अलग अलग प्रजातियों में कलर शेड अलग अलग होते हैं। नर और मादा पक्षी देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन नर पक्षी की तुलना में मादा थोड़ी सुस्त होती है। क्या आप जानते हैं हरियल पक्षी जमीन पर पैर क्यों नहीं रखते हैं? यह धरती पर क्यों नहीं उतरते हैं? हरियल एक वृक्षवासी परिंदा है। इस प्रजाति के सभी जो पक्षी हैं पेड़ों पर ही निवास करते हैं। हरियल पक्षी ताजा फल फूल और कलियों को खाते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये सड़ा गला भोजन और कीड़े मकोड़ों को नहीं खाते हैं। यह अपना खान पान और रहन सहन पेड़ों पर करने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ताज़ा फल और फूल पत्ते यानी कलियों को खाते हैं, तो इसकी वजह से इन्हें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जब इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो इसीलिए धरती पर बहुत ही कम उतरते हैं। ये इसलिए ज़मीन पर पैर नहीं रखते हैं। इसलिए ये मान्यता चली आ रही है कि हरियल पक्षी कभी भी ज़मीन पर पैर नहीं रखते हैं। ये सारी जिंदगी पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। हरियल पक्षी पेड़ों के सबसे ऊंचे शीर्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं। हरियल पक्षी का प्रजनन काल मार्च से जून तक चलता है। जो हरियल जो मादा होती है वो सफ़ेद रंग के अंडे देती है। 13 से 15 दिन में अंडों से बच्चे निकलते हैं। इस दौरान नर पक्षी मादा का पूरा ख्याल रखता है और नर और मादा पक्षी दोनों मिलकर अंडे सहते हैं और दोनों ही मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं और दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। राधे राधे दोस्तों।